अभिषेक की तरफ से मिल चुकी है बेबिका को लास्ट वार्निंग। जी हाँ भाई, लास्ट वार्निंग ही से कह लीजिए कि अभिषेक यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाते हुए बेबिका के लिए इंटरव्यू में नजर आए हैं। उनसे पूछा गया कि आखिर बेबिका के साथ आपका ये सीन चल क्या रहा है। अभिषेक का कहना था कि मैं बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद बिग बॉस की घर की सारी बातों को छोड़कर अपनी ओर से सबके लिए रिस्पेक्ट दिखा रहा था। बेबिका के लिए वो भी रिस्पेक्ट दिखाई, लेकिन उसे शायद चीजें हजम नहीं आई। मैं अपने कंटेंट के लिए कुछ वीडियोस बना रहा था, अचानक ही मुझे फॉलो करने वाली बेबिका मुझे अनफॉलो कर देती है। अनफॉलो करने के बाद सोशल मीडिया पर मेरे अगेंस्ट इतनी ज्यादा इंस्टा स्टोरी शेयर करती है कि मेरी ऑडियंस ने, यानी कि ये पांडा गैंग ने अभिषेक को ये चीज समझाई कि बेबिका इज वेरी टॉक्सिक, और अभिषेक ने ये बात मानी भी, जिसके बाद अभिषेक ने बेबिका की हरकतों को देखते हुए उन्हें अनफॉलो कर दिया। और अब भी वो ये ब्लेम कर रही हैं कि भाई मनीषा अभिषेक उसके खिलाफ ही नेगेटिव पीआर चला रहे हैं, किसी और के खिलाफ ही। उसे ना ही किस चीज की नॉलेज है और ना ही कोई वो चीज जानती है, सिर्फ आगे बढ़कर अपनी वो टॉक्सिसिटी को फैलाती हुई नजर आ रही हैं। अभिषेक का ये कहना है कि वो इस तरह की चीजों को अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हैं। उनके पास ना ही इतना समय है कुछ करने का और ना ही सोचने का जो लोग उनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं या कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। और बेबिका को ये लास्ट वार्निंग ही कहीं ना कहीं ले लीजिए कि वो बेबिका की हरकतों से अब तंग आ चुके हैं। हो सकता है बेबिका इस तरह का कोई और एक्शन दिखाए और अभिषेक उसका कोई फिर से जवाब उन्हें बहुत स्ट्रांग दे देते। क्या कहेंगे इस पर आप कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बनाओ बिल्कुल भी ना जाए।